अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बखैर आफियत होंगे। तो आप देख रहे हैं चैनल जैद असील ऑफिशियल, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आप अपने बर्ड्स को अपनी छतों पर कुछ आसान इकदाम कर किस तरह से पाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो मुर्गी के कच्चा अंडा देने के हवाले से है कि मुर्गी के अंदर कौन सी ऐसी कमियाँ होती हैं जिसकी वजह से जब मुर्गी अंडा दे रही होती है तो उसका छिलका जो होता है वो कच्चा होता है, जिसकी वजह से अक्सर दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि जब मुर्गी कच्चा अंडा दे तो उसका क्या इलाज करें, जिसकी वजह से मुर्गी का जो शैल जो छिलका है अंडे का वो सही हो जाए, पक्का हो जाए और वो अंडा पक्का अंडा दे जिसको हम मुर्गी के नीचे रख के उससे बच्चे हैच करवा सकें। तो दोस्तों, जब मुर्गी कच्चा अंडा देती है तो उसकी कमी को आप किस तरह से पूरा कर सकते हैं? आप उसको ये कर सकते हैं कि आप उसकी खुराक के अंदर कैल्शियम की मिकदार पूरी कर दें, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से आपकी मुर्गी जो है वो कच्चा अंडा दे रही होती है, क्योंकि जब अंडा देती है मुर्गी तो उसका छिलका जो होता है वो सारे का सारा कैल्शियम से बनता है। जब कैल्शियम से बनता है तो जब कैल्शियम की कमी उसके अंदर होगी मुर्गी की तो वो फिर अंडा कच्चा ही देगी, पक्का नहीं देगी, यानी कि ऊपर हल्की सी झिल्ली आएगी, पूरा छिलका उसके ऊपर नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप उसके कच्चा अंडा देने की कमी को पूरा इस तरह से कर सकते हैं कि जो भी आप खुराक दे रहे हैं उसके अंदर कैल्शियम की मिकदार बढ़ा दें। अब कैल्शियम की मिकदार आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं? आप उनकी खुराक के अंदर ये कर सकते हैं, पहले नंबर पर आप उनको खुराक के अंदर नमक डाल कर दें, क्योंकि कैल्शियम जो है वो नमक के अंदर भी होता है। जब आप नमक की डाल के देंगे तो उससे भी उसकी कमी पूरी हो सकती है। और उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि दोस्तों, आप उसको अंडे का जो छिलका होता है वो भी आप पीस कर पाउडर करके अपनी मुर्गी की खुराक के अंदर शामिल करके दे सकते हैं, इससे भी आपकी मुर्गी की कैल्शियम की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। वो अंडे का छिलका आपको दोस्तों बाहर आप जहाँ बर्गर बना रहे होते हैं वो जब अंडा इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका छिलका वो आप वेस्ट कर रहे होते हैं, वो वहाँ से आपको किसी से भी बात कर लें और अंडे का छिलका उनसे ले आएँ, उसको पानी में अच्छी तरह से साफ़ कर लें, पानी में रख कर या धोकर पानी से, उसके बाद उसका पाउडर बना लें। आप अच्छी तरह से पाउडर बना लें और ये पाउडर जो है अपनी मुर्गियों की खुराक के अंदर में शामिल कर दें, तो इससे भी आपकी मुर्गी की ये कमी जो है वो पूरी हो सकती है। तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है कैल्शियम पी का सिरप होता है। कैल्शियम पी का सिरप आप अपने बर्ड्स के पानी के अंदर या खुराक के अंदर मिक्स करके दें, या फिर आप उसको वैसे ही एक सीसी या डेढ़ सीसी जो है वो सिरिंज के अंदर भरकर अपने मुर्गी के मुंह में डालकर उसे पिला दें, तो इस तरह से भी उसकी ये डेफिशिएंसी जो है वो कमी जो है वो पूरी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आप मल्टीविटामिन भी सिरप ले आएँ, और मल्टीविटामिन सिरप कोई भी सिरप ले लें जिस जो आपको इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से मिल जाता है आराम से, तो आप वहाँ से ले आएँ और लाकर अपने मुर्गी को मल्टीविटामिन सिरप भी पानी के अंदर मिक्स कर कर दें, तो इस तरह से आप उसकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी और विटामिन की डेफिशिएंसी जो है जो कमियाँ हैं वो पूरी कर सकते हैं। ये इस तरह से आप खुराक के अंदर मिक्स कर कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी मुर्गी जो कच्चा अंडा दे रही होगी वो भी कच्चा अंडा नहीं देगी और अंडा भी पक्का, उसका शेल जो है मजबूत आएगा और वो आप मुर्गी के नीचे रख के हैच भी करवा सकते हैं। तो ये एक आज की इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर मेरी ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो भाई को दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।